हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और बहुत ही मज़ा आएगा। पिछली वीडियो का जो रिस्पांस मिला है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ जाता है, मोटिवेशन मिलते हैं कि और अच्छी वीडियो बनाएँ और आगे बढ़ें। तो इस बार जो लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको स्केयर ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर का जो स्केयर है उसका शॉर्टकट मेथड आपको सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। जैसे मैंने कहा था कि आपको जो स्केयर हैं ये आपको याद होने चाहिए, तो उम्मीद है स्केयर आपको याद होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखें, हमारे पास जो है ये 3 डिजिट नंबर है, 106। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने बेस की पहचान करनी है। बेस कैसे, जैसे कि 106 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6। तो यहाँ पर जो बेस है वो 100 होगा। अगर मैं कहूँ कि 997, तो इसके नज़दीक जो है राउंड फिगर में वो क्या आएगा, 1000। तो मैं इसको लिखूँगा 1000 माइनस 3, तो यहाँ पर जो बेस है वो 1000 होगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 495, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 500 माइनस 5, तो 500 जो है वो हमारा बेस होगा। तो बेस आपको समझ में आ चुका है कि बेस क्या होता है। जो 106 है तो इसका जो बेस हो गया वो 100, और बाकी बचा 6। तो 6 को आपने क्या करना है, एक बार +6 लिख लेंगे, एक बार -6 लिख लेंगे। अब ये जो +6 और -6 है, हर एक क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 36, और इनके नीचे लगा देंगे आप 2 क्रॉस। नेक्स्ट क्या करना है कि जो आपका ये 100 है, इस 100 में आपने इन दोनों 6 को प्लस कर देना है, तो ये बन गया 112। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो बेस 100 है, इसमें आपने क्या करना है कि इन दोनों 6 को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर बेस रखना है और नीचे रखना है 100। ध्यान रखें, बेस और 100, तो 112। बेस क्या है, इस क्वेश्चन का जो बेस है वो कितना है, 100, और नीचे भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसल। तो जो आपका 112 आया, इसको आप यहाँ लिख देंगे क्रॉस से पहले, तो ये आ गया आपका आंसर 11236। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है 458 का स्क्वायर, तो यहां पर जो बेस रहेगा 450, तो हम +8 लिख देंगे, क्योंकि 450 +8 है, -8 नीचे लिख देंगे। -8 का मतलब हमने इसको बेस बनाया, तो यहाँ पर जो बेस है वो 450। तो पहला काम, इन दोनों 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 64, इनके नीचे डबल क्रॉस। अब 450 तो हो गया बेस, नीचे आता है 100, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 450 को इन दोनों 8 से प्लस करके, तो ये आ जाएगा 8 और 8 16। 450 में प्लस किया 466, 0 से 0, 5 2 5 9 2 से इसको डिवाइड किया 233, तो 233 को अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 7902, ऐड किया 7902, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है 997, तो इसके जो नज़दीक है 1000, तो 3 हमने मतलब इसमें प्लस कर दिया, तो 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो बेस है वो तो हो गया 1000। तो यहाँ सबसे पहले वही काम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 डबल डिजिट के अंदर लिखेंगे। अब जो बेस है वो रहेगा आपका इसका 1000, और नीचे किसे डिवाइड करते हैं हम, 100 से। तो अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि जो भी बेस था हम इनको इन नंबर्स में प्लस करते थे,
लेकिन अब यहाँ पर जो बेस है वो हमने बढ़ाया है, ठीक है ना, हमने बेस को बढ़ाया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि जो बेस था उसमें हमने इन नंबर्स को प्लस किया था, यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है कि एक नंबर को माइनस करना है। तो एक थ्री को हमने माइनस कर दिया, तो 994, 00 से 00, तो ये आ गया 9940, 994009, तो ये आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 997 का जो स्केयर है इसको करने में हमें जस्ट तकरीबन 10 टू 15 सेकंड लगे। अगर हमारी स्पीड अच्छी होगी तो हम इसको और जल्दी कर सकते हैं। तो 993 का स्केयर, तो यहाँ पर जो बेस है नियर बाय 1000, तो कितना कम है ये, -7, तो +7 लिख लेते हैं। तो 1000 हमारे लिए बेस हो गया, तो बेस हो गया 1000, नीचे डिवाइड करते हैं हम 100 से। तो अब की बार हमने क्या करना है कि जो नंबर है इसमें से 17 को हम माइनस करेंगे, तो 986, और जो इधर था 7 को 7 से किया 49 क्रॉस, तो इधर जो है 00 से 00 9860, 490689, तो ये हमारे पास आ गया 993 का स्केयर। तो इसको भी हमने जस्ट तकरीबन 10 टू 15 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज जो ये मेथड आपने सीखा है तो अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें क्या है कि मेनली एक तो बेस का ध्यान रखना है, ठीक है, नीचे 100, और अगर हम बेस बढ़ाते हैं जस्ट हमने वन नंबर को माइनस करना है, अगर हम बेस कम करते हैं तो हम उसमें प्लस करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर बेस हम बढ़ाते हैं तो प्लस, अगर बेस कम करते हैं तो माइनस। यहाँ पर जो 77 था इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्रॉस, तो जस्ट टोटल करेंगे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।